हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बेहद अहम भारतीय दौरा खत्म हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इस दौरे से न केवल अमेरिका बल्कि चीन भी बेहद परेशान है, क्योंकि ये मुलाकात दो मजबूत देशों के शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। सिर्फ 5 घंटे के इस दौरे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 28 समझौतों पर भारत के साथ करार किया, जिनमें सबसे अहम है अगले 10 सालों तक दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जब राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के आगे ना झुकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रूस प्रधानमंत्री मोदी की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। दरअसल रूस ने भारत की तारीफ इसलिए की क्योंकि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर अमेरिकी धमकियों से नहीं डरा। रूस ने कहा कि भारत ने अमेरिका को दृढ़ता से समझाया है कि वो एक संप्रभु देश है और वो ही तय करेगा कि किससे हथियार खरीदने हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के तमाम विरोध के बाद भी भारत ने रूस के साथ S-400 डील को अंजाम तक पहुंचाया। रूस और भारत के बीच S-400 डील को रुकवाने के लिए अमेरिका ने कई प्रयास किए थे और भारत के खिलाफ सैंक्शंस तक की धमकी दे दी थी। अमेरिकी सैंक्शंस के खतरे के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ S-400 डील को नहीं तोड़ा। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ काट्सा कानून के तहत कार्यवाही की बात भी की थी। अमेरिका में 2017 में काट्सा कानून आया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई देश रूस के साथ हथियारों का सौदा करता है तो उस देश पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। काट्सा कानून का पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अमेरिका ने यह कानून इसलिए बनाया था ताकि वो हथियारों के एक्सपोर्ट में रूस को कमजोर कर सके, क्योंकि हथियारों के बाजार में रूस और अमेरिका के बीच में होड़ है। आपको बता दें कि जब चीन और तुर्की ने रूस से S-400 खरीदे थे, तब अमेरिका ने दोनों ही देशों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी इस बात पर इशारा किया गया था कि अगर भारत S-400 डील पर आगे बढ़ता है तो भारत पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहां आपको बता दें कि अमेरिका चाहता था कि भारत S-400 की जगह उसका एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट खरीदे, लेकिन जानकारों का मानना है कि पैट्रियट S-400 के सामने कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में कह दिया था कि वो S-400 की डील से पीछे नहीं हटेगा। बहरहाल पुतिन और मोदी के बीच इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी। पुतिन और उनके साथ आए उनके रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। रूस और भारत की इस मुलाकात ने एक साथ कई देशों को कड़ा संदेश भी दे दिया है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.